अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों को मज़ेदार और आसान तरीके से बीफ बिरयानी बनाना सिखाऊंगी। तो जिसके लिए हमें चीज़ें चाहिए, 3 पाव बासमती राइस, इसको मैंने पहले अच्छे से पानी से वॉश किया, उसके बाद आधे घंटे के लिए पानी में भिगो के रख दिया। 1/2 किलो गाय का गोश्त, इसको मैंने 1 चाय का चम्मच नमक डाल के प्रेशर कुकर में बॉईल कर लिया और गोश्त को गला लिया। 1/2 कप फ्राई प्याज, 1 बड़े साइज़ का टमाटर, 5 से 6 हरी मिर्चें, स्पाइस में हमें चाहिए 1/2 खाने का चम्मच नमक, 1 चाय का चम्मच हल्दी, 1 खाने का चम्मच धनिया पाउडर, 1 खाने का चम्मच लाल मिर्चों का पाउडर, 1/2 चाय का चम्मच जावित्री का और जायफल का पाउडर, 1 चाय का चम्मच गरम मसाला, 1/2 कप कुकिंग ऑयल, 1/2 कप दही, 1 खाने का चम्मच अदरक का पेस्ट, 1 खाने का चम्मच लहसुन का पेस्ट, 2 तेज़पात के पत्ते, 1 खाने का चम्मच ज़ीरा, 1 दालचीनी का स्टिक, 2 बादियान के फूल, 2 बड़ी इलायची, 4 से 5 हरी इलायची, 7-8 लौंग और 12 से 13 साबुत काली मिर्चें। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। पतीली के अंदर हम कुकिंग ऑयल डालेंगे और इसमें सब खड़े मसाले डाल देंगे, हरी मिर्च, साथ ही हम इसमें अदरक और हरी मिर्च और लहसुन का पेस्ट डाल देंगे। अब हम इसमें फ्राई प्याज डाल देंगे। अगर आपके पास फ्राई प्याज ना हो तो आप 1 बड़े साइज़ की प्याज लेके पहले उसको फ्राई कर लें, फिर हरी मिर्चें, तमाम मसाले, थोड़ा सा पानी डालेंगे ताकि हमारे जो मसाले हैं वो जले ना। अब दही डाल देंगे। दही का पानी खुश्क होने तक हम इसको भूनेंगे, तमाम मसालों को। 1 मिनट के लिए हम ढक्कन ढक के मसालों को पकने देंगे ताकि हमारे जो टमाटर हैं वो सॉफ्ट हो जाएं। मसाला भी हमारा भून चुका है, अब हम इसमें बीफ का गोश्त डाल देंगे, साथ ही हम इसमें पानी डाल देंगे और ढक्कन ढक के 5 मिनट के लिए पकने रख देंगे ताकि हमारे जो मसालों का फ्लेवर है वो गोश्त के अंदर आ जाए। इसके बाद हम चावल डालेंगे। 5 मिनट हो चुके हैं हमारे गोश्त को पकते हुए, अब हम ढक्कन हटाएंगे और नमक चेक करेंगे। मुझे थोड़ा सा नमक कम लग रहा है, 1/2 चाय का चम्मच में और नमक डालूंगी। अब हम चावल डाल देंगे। पानी मैंने इसमें 1 लीटर डाला था, पानी हमें इतना ही चाहिए कि इसमें बस चावल जो है हमारे डिप हो जाएं। और हम चूल्हे की आंच मीडियम कर देंगे, फिर से दोबारा से कवर करके 10 मिनट तक हम पकाएंगे, जब तक हमारा जो पानी है चावलों का वो खुश्क ना हो जाए। दस मिनट हो चुके हमारे चावलों को पकते हुए, चेक करते हैं पानी जो चावलों का है हमारा वो खुश्क हो चुका है। अब चूल्हे की फ्लेम हम दम वाली कर देंगे और पतीले के नीचे हम तवा रख देंगे। ऊपर आप कोई सा भी कपड़ा रख दें या इस तरह का एल्युमिनियम फॉइल ये रख दें ऐसे, और हम इसको दम पे रख देंगे अच्छे से कवर करके, ढक्कन रख देंगे। चूल्हे की फ्लेम हम दम वाली रखेंगे बिल्कुल लो और हम अपनी बिरयानी को 10 मिनट के लिए दम पर पकाएंगे। 10 मिनट हो चुके हैं हमारे चावलों को दम पे रखे हुए, अब हम चेक करते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आ रही है, चावल हमारे रेडी हैं। लीजिए, मज़ेदार बीफ बिरयानी हमारी रेडी है। तो मेरी ये रेसिपी कैसी लगी आपको, कमेंट्स करें।
लाइक करें वीडियो, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। चलती हूँ, दोबारा हाजिर होंगी नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।